और कोल्हान टाइगर से अब कंगना की स्टोरी की बात करेंगे। कंगना रनौत ने इमरजेंसी फिल्म को लेकर बड़ा दावा किया है। उनका कहना है कि फिल्म का सर्टिफिकेशन सेंसर बोर्ड ने रोक दिया है। रनौत ने इसे लेकर निराशा भी जाहिर की है। फिल्म 6 सितंबर को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली थी, लेकिन फिलहाल फिल्म पर संकट गहराता दिख रहा है। किसान आंदोलन पर दिए गए बयान के बाद आलोचनाओं से घिरी कंगना रनौत ने अपनी फिल्म को लेकर बड़ा दावा किया है। उन्होंने इमरजेंसी को लेकर कहा कि इसका सेंसर बोर्ड ने सर्टिफिकेशन रोक दिया है। फिल्म सेंसर बोर्ड से क्लियर हो गई थी, लेकिन कंगना के मुताबिक बोर्ड के लोगों को लगातार धमकियां दी जा रही थी और इस वजह से सर्टिफिकेशन को रोक दिया गया है। अभिनेत्री से सांसद बनी कंगना ने पूरे मामले पर निराशा जाहिर की है। तरह की अफवाहें उड़ रही हैं कि हमारी फिल्म इमरजेंसी को सेंसर सर्टिफिकेट मिल गया है। इट इज नॉट ट्रू। इनफैक्ट हमें हमारी फिल्म क्लियर हो गई थी, लेकिन उसकी सर्टिफिकेशन रोक ली गई है क्योंकि बहुत ज्यादा धमकियां आ रही हैं जान से मार देने की, और सेंसर वालों को बहुत ज्यादा धमकियां आ रही हैं। तो हम पे ये प्रेशर है कि मिसेस गांधी की असैसिनेशन ना दिखाएं, भिंडन बाला को ना दिखाएं, पंजाब राइट्स ना दिखाएं। आई डोंट नो कि फिर क्या दिखाएं, कि क्या हुआ कि फिल्म अचानक से ब्लैकआउट हो जाती है। सो दिस इज अनबिलीवेबल टाइम फॉर मी एंड आई एम वेरी सॉरी फॉर द स्टेट ऑफ थिंग्स इन दिस कंट्री। दरअसल कंगना रनौत की ये फिल्म इंदिरा गांधी और आपातकाल की कहानी पर आधारित है। इस फिल्म में वो इंदिरा गांधी के किरदार में नजर आ रही हैं, लेकिन फिल्म के रिलीज होने से पहले ही विवाद हो रहा है। फिल्म का ट्रेलर 14 अगस्त को रिलीज हुआ था और 6 सितंबर को फिल्म के रिलीज होने की संभावना थी। ट्रेलर के रिलीज होने के बाद सिख संगठनों ने फिल्म के कई दृश्यों को लेकर आपत्ति जताना शुरू कर दी। विरोध कर रहे लोगों का कहना है कि फिल्म में सिखों को गलत तरीके से दिखाया गया है। कई शहरों में फिल्म को लेकर सिख समुदाय ने विरोध प्रदर्शन भी किया और बैन करने की मांग की है। कंगना ने भले ही सर्टिफिकेशन रोके जाने पर निराशा जाहिर की है, लेकिन इसके साथ ही उन्होंने लड़ाई जारी रखने की बात भी कही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। बैतूल में धर्मांतरण का